आप सभी का स्वागत है ग्रीन प्लाई के अत्याधुनिक लेबोरेटरी में, जहां पे हम हर प्लाईवुड का परीक्षण करते हैं, वो क्वालिटी के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है गाड़ियों से निकलता हुआ काला धुआं या किसी फैक्ट्री से निकलता हुआ हानिकारक धुआं। क्या हमें पता है कि हमारे घर का हवा भी उतना ही प्रदूषित हो सकता है जितना कि बाहर का हवा? चौंक गए ना? जी हाँ, आज हम एक नियंत्रित वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे एसी का हवा हर समय सर्कुलेट हो रहा है। एसी ज़रूर धूल कणों को फिल्टर कर सकता है, लेकिन एसी किसी भी हानिकारक गैस को फिल्टर नहीं कर सकता। ऐसी ही हानिकारक गैस है फॉर्मल्डिहाइड, जो वातावरण में भी उपलब्ध है और ये फर्नीचर से भी निकलता है। दुनिया के किसी भी प्रांत में जब प्लाईवुड का निर्माण होता है, उसका रेजिन या गोंद बनाने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसी फॉर्मेलिन से फॉर्मल्डिहाइड का धुआं निकलता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इस फॉर्मल्डिहाइड का अल्प समय या दीर्घकालीन प्रभाव से हमारे स्वास्थ्य में हानि पहुंच सकता है। जैसे कि अल्प समय के लिए ये फॉर्मल्डिहाइड हमारे आँखों, नाक, गले और त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। लंबे समय के लिए हमें दमा या अस्थमा हो सकता है या हमारे फेफड़ों में हानि पहुंच सकता है। बहुत लंबे समय के लिए हमें लंग कैंसर भी हो सकता है। दुनिया के प्रसिद्ध पर्यावरण नियंत्रण एजेंसियों में से एक है कार्ब या कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड। कार्ब ने फॉर्मल्डिहाइड एमिशन के लिए 3 मानक तैयार किया है, जो है E2, E1 और E0। E0 इसमें से सबसे बेहतरीन है, जिसको हम जीरो एमिशन भी कह सकते हैं। ग्रीन प्लाई की फैक्ट्रियों में जो प्लाईवुड बनता है वो सारा E0 प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। ग्रीन प्लाई E0 मानक का इस्तेमाल करता है हर प्लाईवुड बनाने में, ताकि इस प्लाईवुड से जब हम घर में कोई फर्नीचर बनाते हैं तो उसमें रहने वाले घर के लोग ही नहीं, इस फर्नीचर को तैयार करने वाला है जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर या कारपेंटर भाई है, वो भी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। आज हम E0 टेस्टिंग करने के लिए परफोरेटर टेस्ट मेथड को पूरा का पूरा किस तरीके से सेटअप करते हैं ये सामने प्रदर्शित करेंगे। इसको करने के लिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर सुब्रत नायक और मिस्टर विवेक जैना मेरे साथ रहेंगे। अब इस प्रोसेस को एक एक करके वो पूरा सेटअप करेंगे। हम सबसे पहले प्लाईवुड के सैंपल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और उसको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी टोलविन रखा हुआ है। अब इसको हम एक हीटिंग मेंटल या हीटर के ऊपर रखेंगे और पूरे प्रोसेस को अब परफोरेटर हम सेट करेंगे। इसमें ये 100 डिग्री पे बॉयल होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, टोलुइन यहाँ पे बॉयल हो रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर में, और इसके अंदर छोटे छोटे प्लाईवुड के टुकड़े हैं जो टोलुइन के साथ मिक्स हो रहा है और उसके अंदर का फॉर्मेलिन एक साथ मिक्स होकर इवापोरेट हो रहा है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है छोटे छोटे बबल्स जो ऊपर की तरफ इवापोरेट हो रहे हैं। अब इन इवापोरेट वाले चीज़ ऊपर पहुँच के जैसे जैसे ठंडा पानी के टच में आ रहा है, ये कंडेंस होके वापस दोबारा इसके अंदर गिर रहा है और वो धीरे धीरे पानी में डिसॉल्व हो रहा है। पानी के अंदर जो फॉर्मेलिन है वो मिक्स हो जा रहा है और टोलुइन जो इससे हल्का है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के कारण ये पानी के ठीक ऊपर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये अलग हो जा रहा है, सेपरेशन हो जा रहा है।
अब ये जो पानी हमारे पास है इसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मेलिन है। अब इसका मिक्स जो है वो हम आगे टेस्ट करेंगे देखने के लिए कि फॉर्मेलिन की मात्रा हमारे प्लाईवुड में कितना है, उसको हम टेस्ट करेंगे नॉर्मल डिस्टिल वाटर के कंपैरिजन में। तो उससे पहले सबसे पहले हम डिस्टिल वाटर का पानी लेंगे और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यहाँ रख देंगे और ब्लैंक टेस्ट दबाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं जो डिस्टिल्ड वाटर जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसमें ऑलरेडी 0.0.00 एब्जॉर्बेंस आ रहा है। अब इसके कंपैरिजन में हम जो सॉल्यूशन निकला था फॉर्मेलिन मिक्स्ड वाटर उसको रखेंगे और रीडिंग चेक करेंगे। हम जो देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे 0.068 जो हमारे को दिखाई दिया है इट इज़ वेरी लेस, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो। जो हम जीरो एमिशन की बात करते हैं वो सामने यहीं पे आपको दर्शा जाता है 0.0068 के हिसाब से। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीरो एमिशन पे क्वालिफाई होता है जो कार्प के हिसाब से E0 स्टैंडर्ड है। जो हमने सोल्यूशन निकाला E0 का, अब ऐसे ही मार्केट से हमने सैंपल निकाला और उसका भी हमने परफोरेटर टेस्ट किया तो हमें दो कैटेगरी के और सोल्यूशन मिले। अब जो डिफरेंस बहुत डिस्टिंक्टिवली हमें दिखाई देता है किसी भी E0, E1 या E2 लेवल ऑफ प्लाईवुड में वो है उसका कलर। आज अगर हम देखें जो E0 प्लाईवुड हम बना रहे हैं उसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, E1 जो है वो लाइटिश येलो में दिखाई देगा और जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिन होगा E2 वो डार्किश येलोइश होगा। अब हम E1 और E2 रीडिंग्स देखेंगे सेम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जहाँ पे E0 का हमारे प्लाईवुड का वैल्यू आया था 0.068। E1 का टेस्ट अब हम करके देखेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं जो कि 0.06 था यहाँ पे 0.4 है विच इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू E1। अब हम E2 का भी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर हम हिसाब करके देखें ये कई गुना ज़्यादा आया है, 1.1 जो कि जीरो था E0 के केस में, 0.4 था E1 के केस में, 1.1 आ गया E2 के केस में विच इज़ वेरी हाई। तो हमारे जो दोनों चीज़ है आपका विजुअल डिस्टिंक्शन भी यहाँ दिखाई दे रहा है और साथ में वैल्यूज़ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज जो हम बात करते हैं E0, E1, E2 का, अगर हम इसको वैल्यू वाइज बताएं तो आएगा E0 का एक 100 ग्राम का अगर प्लाईवुड लेते हैं तो उसमें 3 मिलीग्राम या उससे नीचे, E1 के केस में वो 8 मिलीग्राम है 100 ग्राम प्लाईवुड में, E2 में 30 मिलीग्राम है 100 ग्राम प्लाईवुड में। तो आज अगर हम देखें जो हमने अभी टेस्ट भी देखा पूरा प्रोसेस देखा उसमें हमारा सारा प्लाईवुड सैंपल जो है वो E0 रेंज में आ रहा है, इसका मतलब है जीरो इमिशन और हेल्थ सेफ प्रोडक्ट है। तो हम देख सकते हैं कि E0 किस लिए और क्यों हमें बेनिफिशियल है। जैसे आपको पहले बताया गया था ये बेस्ट है आज के डेट में हेल्थ के लिए।